हमें तो भाई फूक फूक के कदम रखने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो ओवरऑल आप क्या सारी सूरत हाल पे कहेंगे? उम्मीद तो रखनी चाहिए लेकिन यकीन कम है, उम्मीद ज्यादा है यकीन कम है, इसलिए कि पाकिस्तान की फास्ट डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है। अभी पहली इनिंग्स में ही 124 पे एक खिलाड़ी आउट था, फिर 170 पे 6 हो गए, पूरी टीम 264 रन पर आउट हो गई, तो हमारी एकदम से विकेटें गिरना शुरू होती है। आज शान मसूद ने ना सिर्फ कप्तानी अच्छी की बल्कि बैटिंग भी बहुत अच्छी की, 57 गेंदों पर 50 रन, एकदम अटैक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चला गया। और मैंने देखा कि कमिंस ने फील्ड खोल दी, अटैकिंग फील्ड नहीं रखी, तो उससे पहली दफा ऐसा लगा कि पाकिस्तान इस सीरीज में मुकाबला करने आया है। अगर वो ड्रॉप कैच ना होता, लेकिन मैं उसमें 80% अगर कुतुब अब्दुल्ला शफीक का है तो 20% उनके बराबर में था भाई, वो पकड़ सकता था। यही मैं सोच रहा था कि प्लेयर्स तो बाउंड्री पे ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं, ये कोई ऑस्ट्रेलवी इंडियन किसी भी मुल्क का इवन जिम्बाब्वे का प्लेयर भी होता तो उसकी एक रेडीनेस होती कि भाई इसने छोड़ा है और सीधी मेरी तरफ आ रही है तो आई शुड हैव कॉट इट। उनके करीब थी, उनके ऊपर कैचेबल हाइट था सलमान आगा के पास, तो अगर 80% कसूर अब्दुल्ला शफीक का है तो 20% सलमान आगा का भी है। गो सलमान आगा ने अपने कैचेस बहुत अच्छे पकड़े लेकिन ये वाला कैच भी उनको अटेंटिव होना चाहिए था। और अब्दुल्ला शफीक क्या बात थी, लेकिन वो इतना ऑब्वियस था ना शायद साहब कि सलमान आगा को नहीं अंदाजा हुआ, नहीं होना चाहिए था, रिफ्लेक्सेस इसीलिए प्लेयर्स के होते हैं। आपको रेडीनेस होती है, आप जब स्लिप में खड़े होते हैं आपको हर सेकंड पे रेडीनेस होनी चाहिए। और अब्दुल्ला शफीक का इसलिए भी कसूर बड़ा है कि उससे एक ओवर पहले हसन अली की गेंद पे उनके आगे कैच गिरा था स्मिथ का, और सब लोग समझे कि जैसे अब्दुल्ला ने पकड़ लिया, लेकिन अब्दुल्ला ने उसी वक्त मना कर दिया कि गेंद ने टप्पा खाया है। जब 3-4 गेंदों पहले आपके पास ऐसा कैच आया है तो आपको अगले ओवर में भी उससे ज्यादा तैयार हो रहा है। अच्छा वैसे एक चीज है शायद भाई, वो जो कैच का जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, आपके इल्म में ये अच्छे से है कि जो कीपर होता है वो थोड़ा सा आगे खड़ा होता है, स्लिप्स थोड़े से पीछे खड़े होते हैं, रीज़न ये होता है ताकि अगर अटेम्प्ट करना चाहे डाइविंग अटेम्प्ट तो फिर कीपर कर सके, तो वो उसके अंदर ट्राई कर सकते थे वैसे अगर चाहते तो। बिल्कुल कर सकते थे लेकिन थोड़ी कैच की हाइट ज्यादा थी और वो अब्दुल्ला शफीक के भी राइट साइड पे था तो रिजवान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं ये सारी चीजें कहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड में इतनी तेजी से तब्दीलियां होती हैं, पहले अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच थे, उनकी तारीफ हुई, टेलीग्राफ अखबार ने तारीफ की कि पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हो रही है, उनको हटा के वर्ल्ड कप में आफ्ताब खान को भेजा, आफ्ताब खान की बड़ी तारीफ होना शुरू हुई। आफ्ताब खान ने वहां मीडिया के सामने कहा कि मैं वो चीजें सिखा रहा हूँ इन क्रिकेटर्स को, इन फील्डर्स को, जिनको बेसिक शुरू में सीखनी चाहिए और मैं वर्ल्ड कप में सिखा रहा हूँ। अब आफ्ताब खान भी नहीं है, मजीद वापस आ गए। अच्छा बॉलिंग पे आ जाते हैं शाहिद साहब, और पहले तो ये बताएं मीर हमजा की, जहाँ आपने कहा तारीफ पहले हो रही थी फील्डर्स की, तो इस तरह उनकी भी तारीफ हुई, उन्होंने जिस तरह वार्नर को आउट किया फिर ट्रेविस हेड को आउट किया, सो मीर हमजा की बॉलिंग पर क्या तबसरा है आपका? जाहिर है उसका हार्ड वर्क, जो इतने अरसे से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, अब आप ये देखें कि उसको चांस कैसे मिले। 2018 में एक मैच मिला, उसके बाद 2022 में दो टेस्ट मैच मिले और अब 2023 में ये चौथा टेस्ट मैच मिला, यानी इतने गैप के साथ एक आदमी को आपने एक टेस्ट खिलाया बाहर कर दिया, फिर दो टेस्ट खिलाया फिर बाहर कर दिया, अब उसको लाए हैं तो उसको थोड़ा उसके साथ प्रिजर्व करें, उसके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड करें, उसको रेगुलर चांस दें। इस टेस्ट मैच में मीर हमजा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, मेरे हिसाब से उसने शाहीन से भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग जी, ये ऐसे ही है वाकईतन ऐसे ही। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अगर मीर हमजा की बात करें और मतलब ओवरऑल ज़ाहिर रन भी कम दिए, इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा रहे, यानी कि डेढ़ रन कम से कम, डेढ़ से पौने दो रन फी ओवर दिए, ये जो बात हो रही थी इस इनिंग्स के शुरू होने से पहले और हम भी उसमें शामिल थे कि जी एक्सप्रेस पेस हो तो वो बैट्समैन को कर सकता है, जब हमारे वसीम वक़ार भाई ये सारे लोग लेजेंड शुएब अख्तर और सारे के सारे उसके बाद का जो अटैक था वो अगर 20 विकटें यहाँ पर नहीं ले सके तो ये क्यों कर ले पाएंगे, कैसे डिफाई किया उन ऑड्स को इन बॉलर्स ने विदाउट द एक्सप्रेस पेस? देखिए दो चीज़ें, हमने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर आपके पास एक्सप्रेस पेस नहीं है तो आपके पास सीम मूवमेंट होनी चाहिए, आपकी लाइन लेंथ अच्छी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहाँ पर बॉलिंग करते हुए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ना तो इतनी ऊपर हो के बैट्समैन ड्राइव करे और ना ही इतनी पीछे हो के बैट्समैन कट करे, तो एक बीच की लेंथ रखनी होती है और ये हमारे प्लेयर एक दूसरे को बताते हैं, कभी नहीं भी बताते। एक बड़ा मशहूर किस्सा है, मोहम्मद अकरम एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, उनको ये बताया गया बेचारों को कि देखो पीछे कराना गेंद, अगर पीछे नहीं कराओगे तो पिटोगे, और बेचारे उनको काफी रन बने, तो बताते भी प्रॉपरली नई अंदाज से। और जो बॉलिंग कोच है अब उमर गुल वो मेहनत कर रहा है जिससे आपको ये तब्दीली थोड़ी सी नजर आएगी। अच्छा अब सीन ये है कि वो कहते हैं ना कि कुछ चीज होती है अपने ऊपर यकीन होना, इस वक्त बाबर आजम सीम्स टू लुक इनिशियली काफी टेंटेटिव थे लेकिन ही सीम्स टू बी इन अ गुड निक, आपको क्या लगता है कि इस वक्त
मैं ये सोच रहा था कि जब शान आउट हुए तो शायद रिजवान को भेजा जाता बिकॉज दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ यू नो प्लेइंग टुगेदर T20 हो ODI हो इस तरीके से. आपकी क्या एंटिसिपेशन थी, सही आए हैं सऊद शकील और क्या कर सकते हैं हम? ज़ाहिर है गैब का हाल तो आप भी नहीं जानते लेकिन फिर भी जो माइंड सेट बिल्कुल बिल्कुल अशफाक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और आपकी क्रिकेट की नॉलेज को सलाम के रिजवान को भेजते तो रिजवान अटैक करते ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर. सऊद शकील ये नहीं कर पाएंगे. सऊद शकील काफी डिफेंसिव है तो आपको अब अटैक करना है. आप हारे या जीते लेकिन मुकाबला करके हारे अटैक करके हारे. ठीक है, मुकाबला करके हारे अटैक करके हारे. वक्त बहुत है और मुकाबला चाहे तो कर सकते हैं. वो वैसे तो कहते थे वक्त कम है और मुकाबला सख्त, वैसा भी नहीं है. वक्त बहुत है लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है. ये तो है और जाहिर है वो शाहिद हाशमी भी कह रहे थे कि यकीन कम है उम्मीद ज्यादा है. तो थैंक यू सो मच शाहिद साहब. लेट्स हमारे प्लेयर्स जी अब क्या कमाल दिखाते हैं क्योंकि हमने एक मंजर देखा कल. कौन सा मंजर? आपको पता है अब होता ही है कि कमेंटेटर्स को भी दिखा देते हैं, उनके रिएक्शंस दिखा देते हैं. कल मीर हमजा ने जिस बॉल पे